असलम गाइज़ क्या हाल है उम्मीद आप सब लोग ठीक ठाक होंगे गाइज़ आज के इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल कुछ इस तरह से ही फोटोज़ जनरेट बनाना सिखाएंगे तो चलिए जानते हैं इस तरह के फोटो हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं सबसे पहले आपने बिंग एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है आपने इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है डाउनलोड करने के बाद आपने इसको लॉग इन कर लेना है माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से उसके बाद आपने इधर क्रिएट इमेज का ऑप्शन मिलेगा तो सिंपली आपने इस पर क्लिक कर लेना है जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स इसमें एड हो जाएगा थोड़ा आपने वेट कर लेना है जब तक वो बॉक्स आ जाए ठीक ये देखिए बॉक्स ऐड हो गया है अभी आपने क्या करना है इसमें कुछ टाइप करना है ये जो मैं टाइप कर रहा हूँ वो आपको लिखा हुआ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपने उधर से इसको कॉपी कर लेना है अभी मैंने उधर से इसको कॉपी कर लिया मैं डायरेक्टली इसमें पेस्ट कर लेता हूँ जैसे देखिए मैंने इसमें पेस्ट किया और उसके बाद मैं क्रिएट पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो ए मेरे लिए कुछ फोटोज़ जनरेट करके मुझे दे देगा थोड़ा मैं वेट कर लेता हूँ देखते हैं ए मुझे किस तरह के फोटोज डिज़ाइन करके दे देता है तो अभी आपने थोड़ा इधर वेट कर लेना है अभी देखिए ए आई ने चार फोटोज़ मेरे लिए जनरेट करके मुझे दे दिए ठीक है, है अभी आपने क्या करना है अगर इन चारों में से अगर आ, कोई भी आपको पसंद आता है तो आप उसको सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं अगर देखें आपको इनमें से पसंद नहीं आता है तो आप और भी फ़ोटोज़ जनरेट बना सकते हैं इसे ठीक है थोड़ा नेटवर्क का इशू है थोड़ा तो मैं वेट कर लेता हूँ आपको आगे दिखाता हूँ अब ये देखें कुछ इस तरह से फोटो जनरेट होकर मुझे मिल गए अभी आपने क्या करना है अगर आपने इसको डाउनलोड करना है ठीक है नहीं तो आपने दोबारा क्रिएट पे इधर इधर क्लिक कर लेना है जैसे आप दोबारा क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो चार और फोटोज़ आपके लिए क्रिएट करके दे देगा आपको ए ठीक है आपने थोड़ा वेट कर लेना है और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा आप इसको डाउनलोड कैसे कर सकते हो ये देखिए चार और फोटो हमारे लिए क्रिएट हो चुके हैं अभी आपने डाउनलोड करने के लिए आपने क्या करना है इसको थोड़ा व्यू कर लेना है जैसे आप व्यू करेंगे और उसके बाद आपने क्या करना है इस फोटो के ऊपर ही दबाए रखना है आपने थोड़ा सा ठीक है आप जैसे स्क्रीन के ऊपर दबाए रखेंगे तो आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा जैसे ही आप डाउनलोड इमेज पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा तो इस तरह से आप ए से फोटोज बना सकते हैं उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक दीजिए इजाजत अल्लाह हाफिज़